मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल 106 रुपए लीटर से भी अधिक का हो गया है। कोई समृद्ध इलाका नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग दिल्ली से भी 11 रुपए ज्यादा दाम दे रहे हैं। पेट्रोल 106 रुपए हो गया है और ऑफिस में जो टैक्स है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों टैक्स लगा रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को टैक्स कम करके आम जनता को राहत देनी चाहिए। यहाँ पेट्रोल के रेट बहुत अधिक हो गए हैं, 106 रुपए बहुत मायने रखता है। शायद पूरे मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में पेट्रोल का रेट सबसे अधिक है, जिससे आम जनता का मासिक बजट बिगड़ गया है। 77 रुपए डीजल डल रहा है और उसका भाड़ा नहीं मिल रहा है, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है हमको। गाड़ी के मेंटेनेंस भी तकलीफ हो रही है, मोटर पार्ट वालों ने माल की वजह से गाड़ी के पार्ट्स भी दाम बढ़ा दिए हैं, होटल खाना भी बहुत महंगा हो गया है। मध्य प्रदेश के बालाघाट के लोग 106 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं, भोपाल और इंदौर के 104 रुपए लीटर दे रहे हैं। ज्ञात जानकारी के अनुसार देश में सबसे महंगा पेट्रोल खरीदने के लिए बालाघाट, भोपाल और इंदौर के लोगों को विशेष बधाई भेजी जानी चाहिए। तीसरे नंबर पर औरंगाबाद है, जहां लोग 103 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं। चौथे नंबर पर कई शहर हैं जहां 102 रुपए लीटर मिल रहा है, जैसे नासिक, कोल्हापुर, मुंबई, जयपुर, नागपुर और पुणे में 101 रुपए लीटर मिल रहा है। हमने उन शहरों का नाम छोड़ दिया है जहां के लोग 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस महंगाई पर है। इसलिए हम 106, 104 रुपए लीटर पेट्रोल की चर्चा कर रहे हैं, 100 रुपए की। हर मौके को ऐतिहासिक बताने वाले प्रधानमंत्री या उनके किसी मंत्री ने इस ऐतिहासिक मौके पर कोई ट्वीट नहीं किया। कम से कम 106 रुपए लीटर पेट्रोल भराने के लिए बालाघाट के लोगों को बधाई दे सकते थे, 104 रुपए लीटर भराने के लिए इंदौर के लोगों को बधाई दे सकते थे कि जल्दी आपको 105 रुपए लीटर भराने का मौका मिलेगा।